यार नहीं, या तो वो कोई फरिश्ता है या नबी है। ना नबी आ सकता है ना हम फरिश्ते हैं, वो इंसान ही नहीं जिससे खता ना हो। लिहाजा मैं अपने रब की कुदरत पे कुर्बान जाऊं, रहमत पे कुर्बान जाऊं कि उसने तौबा के लिए ना उम्र की कैद ना अदद की कैद। अबे तू 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, अब तेरी कोई तौबा नहीं, आखिरी सांस में आ जा, कबूल है। अबे तेरी 100 दफा टूट चुकी है तौबा, अब 101 दफा कबूल नहीं, 1 करोड़ दफा तोड़ के आ जा, कबूल है। करीम जात से वास्ता है, लेकिन करीम जात ने कुछ जाब्ते बनाए हैं, कुछ निजाम बनाए हैं, उसने यजीद और हुसैन को अलग किया है। एक सूदखोर भी कहे अल्लाह गफूर और रहीम है, रातों को शराब में टुन कहे अल्लाह पे माफ करेगा, रातों को मुसल्ले पे तड़पने वाला और शराब पीने वाला अल्लाह का कानून है, अल्लाह का निजाम। जुल्म और सितम के पहाड़ ढाने वाला और मजलूम बन के सिसक सिसक के जिंदगी गुजारने वाला कैसे बराबर हो? आंख का छलकना और जाम का छलकना अल्लाह बराबर कर दे, ऐसी अंधेर नगरी भी तो कोई नहीं है। अम नजअलुल मुत्तकीन कल फुज्जार, क्या नेक और बद में बराबर कर दूंगा? अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन मालकुम कैफ तहकुमून। इसलिए भाई बहनों, मामला बहुत आसान है अगर तौबा हो जाए, और जब गुना हो फिर तौबा हो जाए, जब गुना हो फिर तौबा हो जाए तो मामला आसान है। मुश्किल कब है? जब आदमी अकड़ जाए, अकड़ जाए, मामला खतरनाक है। लेकिन गुनाह के साथ तौबा हो, आसानी आसानी, माफी माफी है, क्योंकि वो है ही माफी को पसंद करने वाला। लिहाजा भाई बहनों, तौबा की आदत बनाओ। देखो, एक मामला अल्लाह और आपका, उसमें बड़ी गुंजाइश है। एक मामला बंदों और आपका, वो बड़ा औखा है। अल्लाह के वास्ते किसी के ऐब ना देखो, किसी की पगड़ी ना उछालो, किसी को बेइज्जत ना करो, किसी की कमियां ना पकड़ो, किसी पे तबसरे ना करो। ये बहुत खौफनाक केस है। नमाज छूट गई, ये इतना खौफनाक केस नहीं है। रोजा छूट गया, हज छूट गया, खौफनाक है, खौफनाक है, लेकिन ये डायरेक्ट अल्लाह के साथ है। जब चाहे माफ कर। लेकिन मेरा और आसिफ का जो मामला है, मेरा और सरदार साहब का जो मामला है, मेरा और आपका जो मामला है, ये बहुत खौफनाक है। इसमें कसा हुआ कानून है कि किसी को हकीर न जा। ईसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे अपने साथियों का, एक डाकू ऊपर बैठा था पहाड़ पर, चोटी पर। फलस्तीन में छोटे छोटे पहाड़ हैं, बड़े नहीं, तो उसकी नजर पड़ी, नूरे नबूवत देखा, तो उसको नदामत हुई। उसने कहा, यार लानत है तेरी जिंदगी, सारी जिंदगी डाकियां गुजारती, चल तौबा करते से नेक नबी दा साथ दे। उन्होंने कहा, अल्लाह मेरी पिछली माफ कर, मैं आ गया, नीचे उतरा, साथ हो लिया। इस अलैहिस्सलाम का एक सहाबी साथ जा रहा है, सहाबी। हर उम्मत का सबसे आला शख्स वो होता है जिसने नबी का फैज पाया हो। ये डाकू, ये सहाबी, उस सहाबी ने उसको यूं देखा नफरत से, अच्छा एक तो आ गया। एक तकब्बुर पैसे का होता है, एक तकब्बुर नेकी का होता है। ये पर्दे वाली औरतें बेपर्द औरत को यूं देखती हैं, उन्हें नहीं पता कि उन्होंने बेपर्दगी से भी बड़ी तबाही फैला दी। एक पैसे का तकब्बुर है, एक नेकी का तकब्बुर है। हम दीनदार लोग हैं, हम पर्दादार खवातीन हैं, ये बेगैरत बेहया हैं। और मैंने तो नाचने वालियों में भी अल्लाह की मोहब्बत को देखा। अबे नसीम विकी की वालदा फौत होगी, मैंने उसका जनाजा पढ़ा, तो सारे अदाकार इकट्ठे थे, मैंने थोड़ा सा अल्लाह के नबी का जिक्र किया, मैंने जितना उनको रोते देखा, मैंने आज तक किसी को ऐसा रोते नहीं देखा। अरे हर मोमिन के दिल में ईमान है। अरे अरफात वो मैदान है जहां मेरा अल्लाह कहता है, इतने गुना लाओ जितने बारिश के कतरे, और इतने लाओ जितने रेत के जर्रे, और इतने लाओ जितने दरख्तों के पत्ते, आके माफी मांगो, सब माफ करूंगा। लेकिन मेरे आज का माहौल, आज का दीनदार, वो किसी को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। एक है मेरा आपका मामला, बड़ी एहतियात बरतो, किसी को हकीर न जानो।
किसी की कमी ना दिल में लाना, किसी के ऐब ना पकड़ना, किसी की पगड़ी ना उछालना, हर जगह मुंह पे मार दी जाएगी। यूसुफ बिन हुसैन एक बुजुर्ग गुजरे, बड़े खतीब थे, मुहद्दिस थे। जब इंतकाल होने लगा तो कहने लगे, या अल्लाह एक मेरे पास दो नंबरी है और एक मेरे पास एक नंबरी है। दो नंबरी तो ये है कि तेरे और मेरे दरमियान जो ताल्लुक था मैं उसे कभी ठीक ना कर सका, और एक तेरे और तेरे मेरे और तेरे बंदों के दरमियान ताल्लुक था उसमें मैंने कभी दो नंबरी नहीं की, मैं हमेशा एक नंबर पे रहा। या अल्लाह मेरी एक दयानत है एक ख्यानत है, मेरी दयानत के बदले मेरी ख्यानत को माफ कर दो। जब उनका इंतकाल हुआ तो वो ख्वाब में मिले एक दोस्त को, कहा आपके साथ क्या हुआ? कहा अल्लाह ने मुझसे खड़ा किया। कहा यूसुफ मरते हुए क्या कहा था? क्या कहा था दोहराओ, क्या कहा? कहे अल्लाह मैंने ये कहा था कि मेरे रब एक ख्यानत है जो मेरे और तेरे दरमियान रही हमेशा, मैं उसे ठीक ना कर सका। एक दयानत है जो मेरे और तेरे बंदों के दरमियान रही, मेरी दयानत के बदले मेरी खयानत को माफ कर। तो कहा यूसुफ तेरी ये बात हमें पसंद आई, जाओ माफ किया।